लगाने के फैसले से यह जुड़ा हुआ है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सीधे सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है और उसके साथ ही इस याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। इस मामले में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, एमपी महुआ मोइत्रा समेत कई लोगों ने इसको याचिका डाली है और उत्तर प्रदेश ने कावड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का आदेश दिया था। बाद में उत्तराखंड में इस तरह का भी आदेश जारी कर दिया। उसके बाद सियासत तो हुई ही, लेकिन इस नेम प्लेट को लेकर भी भारी बवाल मचा और सीधे तमाम लोगों ने याचिकाकर्ता ने याचिका डाली है कि इस मांग को रद्द कर दिया जाए। ये जो निर्देश, ये जो फरमान उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से और बाद में उत्तराखंड की सरकार की तरफ से जो जारी किया गया है, आज उसी पर सुनवाई होनी है। देखना है कि आदेश में सुप्रीम कोर्ट के क्या कुछ आता है। और आज संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी जो 12 अगस्त तक चलेगी। आज दोपहर 1 बजे लोकसभा और 2 बजे राज्यसभा में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। उसके बाद कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे और उसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद सरकार इस मुद्दे पर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तो आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा, आप देख सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के समय भी आपको बता दिए, आज से 12 अगस्त तक मॉनसून सत्र होगा। कल सर्वदलीय बैठक हुई थी और इसको लेकर आज 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। कल संपूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश